बस करो सर। सर आया तो पैर उधर, पैर उधर या इधर उतार सर। नहीं पैर नीचे कर रहे तो उधर जाओ, बता ऐसे घुमा लेगा। इधर आ गया, अरे फोटो काफी करा ले बगल वीडियो है ना, वीडियो नहीं नहीं लेके जाओ भाई। चप्पल लेके आ जा, चद्दर मिला मामला ये कुछ दिन पहले सब्जी मंडी में कुछ रंजिशन आपस में कुछ बाबा लोगों से इनके भाई भतीजाओं से विवाद हुआ था, जबकि विवाद किसी और का था, उन्होंने छुड़ाया था, उसी में उनको मारा पीटा, ज़बरदस्ती उनको बंद भी करा दिया, उन लोग जेल में हैं। इनका कोई रंजिश किसी तरह से नहीं था, लेकिन कल ये सब्जी मंडी में काम करते हैं सब्जी बेचने का, सब्जी बेच के रात को लौट रहे थे 10:15 बजे विसर कुंड के पास गीता भवन के सामने, वहाँ पे चार लोगों ने इनको तुरंत रुकाया, रुकाने के बाद में मारना चालू किया, जब मार के इनको अचेत अवस्था में ईटा से पूरे सर को कूच दिया है, सभी सब फट गया पूरी तरह से, अचेत अवस्था में रोड पे लिटा कर खींचा गया पूरी तरह से, सब छिल गया अपना सर। ये अचेत अवस्था में पड़े थे तो वहाँ पे राहगीरों ने देखा तो किसी तरह वो लोग भगे, और राहगीरों ने बताया कि वहाँ पे कोई चोट खा के गिरा हुआ है, तो हम लोगों को मालूम पड़ा तो गए वहाँ जा कर के देखे, तो उनको तुरंत हॉस्पिटल लेके गए श्रीराम में, श्रीराम वालों ने जवाब दे दिया कहा जिला अस्पताल लेके जाइए, यहाँ पे थोड़ा ट्रीटमेंट हुआ, सिटी स्कैन की यहाँ कोई सुविधा नहीं है, बता रहे मशीन ख़राब है 7-8 महीने से, उसके लिए के GMC इन्होंने रेफ़र कर दिया है, वहाँ लखनऊ 108 नंबर लेकर के गई हुई है। जो लोगों ने हमला किया है क्या उन लोगों के पहले आप जानते हैं, उन लोग की आप कैसे कह सकते हैं कि वो लोग कौन थे? क्योंकि इनका आज तक शुरू से लेकर के अभी तक किसी से कोई रंजिश अबे तबे का नहीं था, ठीक है, ये अगल बगल दुकान लगाते नहीं, भाई पटीदार का मसला था, जिसका मसला था उसको इन्होंने पहले ही अंदर करा चुके थे, ठीक है, ज़बरदस्ती। अब वो रंजिशन जितने भी मुसलमान वहाँ पे दुकान लगाते हैं, कुछ दिन पहले सबको मार के भगा दिया गया था, दुकान हटवा दिए थे, किसी तरह हाथ पैर जोड़ के दुकान रखाया गया, ठीक है, कि भाई हम लोगों का मसला नहीं है, जिससे लड़ाई झगड़ा हुआ आप उनकी दुकान हटवाइए। तो यो लोग ने कहा कि भाई सब बाहर के लोग हैं, ठीक है, अभी हालांकि पुलिस अज्ञात में FIR दर्ज की है और तफ्तीश कर रही है, तफ्तीश करने के बाद कौन है कौन नहीं है उसकी सच्चाई पुलिस पता करेगी, बताएगी। क्या जो दूसरा पक्ष है वो कौन है? दूसरा पक्ष अभी क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन जहाँ तक कि रंजिशन जो पहले मारपीट हुई थी उसी रंजिश को एक देखा जा रहा है, और अभी पुलिस ने कहा कि मैं तहकीकात करके जो लोग से पहले रंजिश थी उनको पूछूंगा, अगल बगल वाले जानकारी करूंगा, फिर कौन सच्चाई क्या है उसके बाद में बताऊंगा। जो घायल है उनका नाम क्या है? अब्दुल अजीज। आपका क्या नाम? मोहम्मद आजम। जो आपके भाई के ऊपर हमला हुआ है ये कैसे हुआ है, क्यों हुआ है? आज 10 बजे करीब थी, दुकान बढ़ा के जा रहे थे 10 से 10:30 के आसपास में, उसके बाद विशाल कुंड के पास पहुँचे तो इनको बहुत 4-5 लोगों ने बहुत मारा, ईटा से कूच दिया, उसके बाद गिराया, ब्लीडिंग भी आप देख सकते हैं वहाँ पर जाके बहुत ब्लीडिंग हुई, उसके बाद हम लोग राहगीरों ने बताया, उसके बाद हम लोग पहुँचे श्रीराम हॉस्पिटल, वहाँ पर जवाब दे दिए, फिर जिला हॉस्पिटल लेके आए, फिर यहाँ से फिर यहाँ रेफ़र कर दिए लखनऊ के लिए, क्योंकि CT स्कैन का यहाँ सिस्टम नहीं है। इसके विरुद्ध आपने कुछ कोतवाली में दिया? हाँ, हमने FIR कराया, FIR हो गई है, और पुलिस प्रशासन भी कह रही कि हम पूरी कार्रवाई करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि हम पुलिस पसंद। उनका क्या नाम? अब्दुल अजीज नाम। आपका क्या नाम? मोहम्मद वजीर। कहाँ है ये? अयोध्या आलमगंज कटरा जैन मंदिर के सामने। अच्छा,